नागार्जुन ने कहा था, व्हेन यू अंडरस्टैंड माइंड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। पासवर्ड में बुलंदवाल हाजिर है नाजरीन कराम। एक बुद्धि फिलोसफर वैंगचू ने बहुत खूबसूरत बातें कहीं अपनी किताब में। मैं चाहता हूं कि अपने नाजरीन के साथ पहले ये शेयर कर लूं और फिर हम सब्जेक्ट पर आएं जिस पर आज हम डिबेट करने वाले हैं। और फिर वो बरगद के पेड़ के नीचे से उठा, अंदर को धसी हुई आंखों से अपने पिंचर को देखा जिस पर उसकी दरीदा खाल कस कर मुंठी हुई थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से दो कदम चला, बैठ गया, ऊपर आकाश की तरफ देखा तो एक आवारा बादल नजर आया। पूछा, बरसोगे? पानी पतली धारों में बरसने लगा। सर, माथे, गर्दन, पिंचर, दरीदा लंगोटी और बांसों की तरह पतली नहीं टांगे धुल गईं तो उसने अपना मुंह खोला। अमृत धारा सा पानी उसके हलक से नीचे उतरा तो जैसे जान में जान आई। इसके बाद 13 दिनों तक पेड़ों से भिक्षा में दिए गए फल और मेवे खाते हुए और बरखा का अमृत पीते हुए उसने अपने इन 13 जन्मों को एक एक करके फिर जीने का जोखम उठाया जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम इसी अमृत धारा के हवाले से है। ये उस बयान के बारे में है जिसका जिक्र कमोबेश हर इल्हामी किताब में है, कुरान शरीफ में भी है और हिंदू मज़हब में भी और बुद्धिज़्म में भी, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ रंगों में। मगर बात ज्ञान की है कि जब ज्ञान मिल जाता है तो वो खल कैसे जन्नत मिल जाती है। ज्ञान आसान नहीं है। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे आज कि ये ज्ञान कितने जन्मों में नसीब होता है। और इस गुफ्तगू की सबसे बड़ी वजह ये किताब है जो चंद दिनों से मेरे ज़ेर मुताला रही, कथा 4 जन्मों की। सत्यपाल आनंद की ये किताब कई हवालों से अहम है, ना सिर्फ ये कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उनकी याददाश्तें कलमबंद हैं, बल्कि यूँ भी कि इसमें कई एक सवाल हैं, खुसूसन ये कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के शायर, हिंदुस्तान के अदीब क्या हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदुस्तानी थे? ये भी कि ख़ुद उर्दू शायरी का मकाम मगरबी अदब में कहाँ पर है? गज़ल किस तरह से उर्दू शायरी के लिए नुकसानदेह साबित हुई? उसका रवैया क्या था जिस पर बात होनी चाहिए? नज़्म कहाँ थी मगरबी हवालों से 19वीं सदी के मिड में, जिस वक्त इम्प्रेशनिज़म, एक्सप्रेशनिज़म, पोस्ट एक्सप्रेशनिज़म, इमेजिज़म और फ्यूचरिज़म की बातें हो रही थी, तो हमारी नज़्म कहाँ थी? अकबाल के पास सिम्बोलिज़म कहाँ मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? हमें यह भी देखना है कि उर्दू शायरी की उरूज फारसी से ही क्यों आए? इतना बड़ा कल्चर था हिंदुस्तान का, तहजीब थी, उसके बावजूद हमें फारसी से ही ये क्यों मुस्ताल लेने पड़े? हमें यह भी देखना है कि फैज़ अकबाल और फिर गोपी चंद नारंग और सत्यपाल आनंद, ये वो शख्सियात हैं जिन पर कौन कौन से मौजूआत ऐसे हैं जो किसी न किसी लिहाज से आपस में स्ट्राइक होकर कुछ डायमेंशंस क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारे मौजूआत हैं नाज़रीन कराम, मैं उन सब मौजूआत पर बात करूंगा। सत्यपाल आनंद मेरे साथ हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। सत्यपाल आनंद, सबसे पहली बात तो ये कि आपने मुझे वक्त दिया। नाज़रीन कराम जानते हैं आपके बारे में, आपका तारुफ मैं क्या कराऊं, 50 से ज़्यादा किताबों के आप मुसन्निफ हैं, लेकिन ये किताब ये इस लिहाज से अहम है कि मुझ जैसे अदब के तालिबे इल्म के लिए ज्ञान का एक ज़रिया। पहला सवाल सादा सा कि ये जो आपने बात की कथा 4 जन्मों की, तो ये जो जन्म है, ये जन्म कौन सा जन्म है? क्या ये एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है किसी मजहबी हवाले से, या ये एक शायर का मेटाफोर है? ये एक शायर का ही मेटाफोर है जिसमें शायर एक ही जिंदगी में 4 जन्म जीता है। अब ये भी एक कनंड्रम है, कॉन्ट्राडिक्शन है आपस में कि एक ही जिंदगी में कैसे 4 जन्म जिए जा सकते हैं। जन्म से मुराद एक ऐसा वक्फा है, एक ऐसा अरसा है वक्त के दो नुक्तों के दरमियान कैद, एक दरमियानी वक्फा ऐसा है जो शुरू भी होता है और ख़त्म भी होता है और उसके बाद एक नया वक्फा शुरू हो जाता है। मैंने ज़िंदगी में 4 जन्म जिए। पहले जन्म की कथा आपने बताई 13 जन्मों से, ज़िंदगी के पहले 13 बरस मैंने बचपन के जो काटे उसकी तफसील पहले जन्म में मिलती है। दूसरे जन्म में 30 बरस की उम्र तक
जब मैं तकसीम वतन के बाद अपने वालिद को खो देने के बाद बेवा माँ और तीन छोटे भाई बहनों का की परवरिश करता रहा, कलम घिसाई करता रहा, जासूसी नावल लिखता रहा, अफसाने लिखकर उनसे रुपए कमाता रहा, दुकानों पर नौकरी करता रहा, सिर्फ जिस्मानी मेहनत मजदूरी नहीं की लेकिन दिमागी और हाथ की मेहनत मजदूरी उससे कम नहीं थी। ये जन्म 30 बरस की उम्र तक है मेरा। 30 बरस के बाद जब मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया तो मुझ पर सारी दुनिया के दरवाजे खुल गए। मैं ऐसे लगता था जैसे मेरे बालों पर में, मेरे शहपर में बाले जबरील भी शामिल हो गया हो और मेरी उड़ान किसी शाहीन से कम नहीं थी। मैंने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर, इंग्लैंड, कनाडा, सऊदी अरेबिया, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, कहाँ कहाँ मैं नहीं गया और किन किन यूनिवर्सिटी में मैंने कोर्स डिज़ाइनिंग नहीं की, करिकुलम प्लानिंग नहीं की, निसाब साजी नहीं की। ये मेरा तीसरा जन्म है। तीसरे जन्म को इख्तिताम तक पहुँचाते हुए मेरा 60 बरस की उम्र में चौथा जन्म शुरू हुआ। मेरी उम्र इस वक्त 82 बरस है, 82 ईयर्स ओल्ड। और ये 22 बरस जो मैंने बाद में रिटायरमेंट के बाद में गुजारे इन मुल्कों में, लगभग हर साल यूरोप का चक्कर, हर साल बुलवाया जाना कहीं सेमिनार के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, तौसीही लेक्चर के लिए, ये मेरा अब चौथा और आखिरी जन्म है। कब तक चलता है मुझे इल्म नहीं है, लेकिन आज तक इसका कच्चा चिट्ठा, इसका अहवालनामा इस किताब में मौजूद है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपके, चूँकि किताब बड़ी ज़खीम थी और इसमें बहुत सारी ऐसी इल्मी बातें हैं जिनको ऑफकोर्स इस 40 मिनट के अंदर कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे बराह रास्त स्ट्राइक कर रही थी। जी हाँ, कई एक बातें, कुछ बातें आपसे मुताल्लिक, कुछ बातें जैसे मैंने कहा फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से, अकबाल के हवाले से, जदीद नज़म के हवाले से, और बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी बातें हैं जो ऑफकोर्स, लेकिन जो बातें मुझे टच कर रही थी मैं चाह रहा था उन पर पहले बात करूँ। आप सवाल कीजिए। तो सबसे पहले मशके, तू मशके नाज कर, खूने दो आलम मेरी गर्दन पर। सबसे पहली बात पहले जन्म के हवाले से, ये आपके पहले 15 साल 16 साल की उम्र का किस्सा है और मैंने देखा कि इसके अंदर एक जैसा एक नॉर्मल बच्चा होता है उसको अप्रिसिएशन मिलती है, पनिश, एक जिंदगी में जो भी अप्रिसिएशन और पनिशमेंट और जो कुछ भी मिलती है उससे जो उसकी शख्सियत साजी होती है उसमें मैं देखता हूँ कि आपका एक सेल्फ पोर्ट्रेट भी डेवलप हो रहा है, एक जर्नल आपकी, आप अपने बारे में एक शक्ल डेवलप होती चली जा रही है, लेकिन आपका जो झुकाव है वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन जो बात मुझे स्ट्राइक कर गई वो ये कि नज्म की तरफ आपका रुझान फ्रॉम द बिगिनिंग था, जिस पर शायद मुंशी तलुकचंद महरूम ने इशारा भी किया। और एक बात जो मुझे टच कर गई वहाँ पर वो ये कि जब आपकी उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने आपको उर्दू ज़बान के हवाले से कुछ बातें करी, खुसूसन ये कि उर्दू ज़बान के अंदर नए लफ्ज़ शामिल नहीं होते थे जिससे उर्दू ज़बान का दामन तंग होता चला गया। अब ये जो सवाल है कि उर्दू का दामन तंग आता होता चला गया, क्या ये वजह नज़म की तरफ आपको डाइवर्ट कर रही थी या गज़ल की तरफ आपकी फितरत नहीं थी या क्या वजह थी कि आप, क्योंकि आप इस डायमेंशन के आदमी थे कि नज़म शायद आपको बैरूनी दुनिया की तरफ लेके जाने वाली थी और वहाँ से कुछ नई चीज़ें आने वाली थी, क्योंकि गज़ल हम देखते हैं कि बहुत हिंदुस्तानी रवैया अपने अंदर लिए हुए। मैं ये अर्ज़ करूँ, आपका सवाल जो है वो बेहद अहम है, कीमती है, और इस लिहाज से मेरे लिए ज़्यादा अहम है कि मैंने ज़िंदगी भर दीगर महाकात के अलावा एक ये निशाना भी अपने सामने रखा है कि मुझे उर्दू में नज़्म को मुतारिफ करवाना है उसी सतह पर जिस पर ये यूरोप की तरक्की याफ्ता ज़बानों में मौजूद है। गज़ल फारसी से हमारे यहाँ आई और बहुत बड़ी ट्रेडिशन थी, रवायत थी फारसी में, अरबी में इसे कसीदा कहा गया था, लेकिन ये फारसी से जब हमारे यहाँ आई और हमने इसे हिंदुस्तानी में, मैंने लफ्ज़ हिंदुस्तानी इस्तेमाल किया, उर्दू इस्तेमाल नहीं किया कि तब तक उर्दू मार्ज वजूद में नहीं आई थी, इसको इस्तेमाल करना शुरू किया
और हमने अपनी जबान को हकारत की नजर से देखते हुए उसे रेख्ता कहा, गिरी पड़ी हुई चीज। यानी अरबी और फारसी के मुकाबले में हमने अपनी जबानों को घटिया समझा। और यहां तक कि 19वीं सदी के वस्त तक भी गालिब जैसे बड़े शायर ने यह कहा कि मेरा जो फारसी का दीवान है वो मुझे जिंदा रखेगा, मुझे उर्दू के दीवान की इतनी परवाह नहीं है जितनी फारसी के दीवान की है। हम लोग बैरूनी मुल्क की तरफ देखते रहे जिससे हमारे ताल्लुकात खत्म हुए। खुदा जाने कई सदियां बीत गई थी, अंग्रेजों के आने से पहले ही सिखों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। वो रास्ता जिससे लोग आते थे वो मुनहदम हो गया था। नए खून की आमेजिश उर्दू शायरी में फारसी से दरामद नहीं हो सकती थी, तो हमने उसी खून को दोबारा कशीद करने की कोशिश की जो हमारे यहाँ असातिज़ा से सादी से लेकर जामी तक मौजूद था। डॉक्टर साहब, मैं खतर कलामी को माफी चाहूँगा, ये मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि ब्रेक का वक्त हो गया, तो इस गुफ्तगु आगे बढ़ाता हूँ। नाज़रीन कराम, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगु आगे बढ़ाते हैं, यूँ साथ साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, पासवर्ड नंबर नवाल हाजिर हैं। तो आप फरमा रहे थे कि उर्दू जिस शक्ल में थी आप किस तरफ समझ रहे थे कि चीजें कहाँ जा रही हैं। हम लोग मुंजमद हो गए और उस जमूद की वजह वो पीर तस्मापा था जिसे हम फारसी शायरी कहते हैं, आगे नहीं बढ़ सके। गजल के अलावा हमारे पास कोई और सिन्फ शेर नहीं थी। मसनवी महाकाव्य का मुकाबला कर सकती थी, एपिक का, कहानी का, खत्म हो चुकी थी। छोटी छोटी दीगर असनाफ सुखन जैसे हिजव है या किसी की तारीफ में आप कोई कसीदा लिखते हैं या अगर सैलाब आ जाए तो आप शहरा शोब लिखते हैं, ये वक्त की चीजें नहीं थी। गालिब जैसे शायर ने भी कहा, कुछ और चाहिए वसत मेरे बयां के लिए। तंग नाए गजल कहा गया है इसको। दो मसारे में, दो मिसरों में आपने एक मिनी पोम लिखनी है, मुख्तसर से मुख्तसर नज्म कहनी है और हर शेर जो है वो एक अलग मौजू पर होना है। यानी अगर एक शेर आपका हिजर के बारे में है तो दूसरा शेर माशूक की खूबसूरती के बारे में है, तीसरा शेर बादशाह की तारीफ के बारे में है। तो ये इस माला में, तस्बीह में प्रोए हुए दाने जो हैं, कुछ तो हीरे निकल सकते थे और कुछ बिल्कुल ही खजफ के कांच के टुकड़े होते थे। मुझे जब मुंशी तरुक चंद महरूम ने ये बातें कही तो उन्होंने दो लफ्ज इस्तेमाल किए थे। मेरी उम्र सिर्फ 14-15-16 वर्ष थी जब वो गॉर्डन कॉलेज में थे और मैं अमेरिकन मिशन हाई स्कूल रावलपिंडी में पढ़ता था। उनकी शफकत मुझे मुयसर हुई तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में दो लफ्ज हैं, आप जानते हो उन्हें, एक एक्सक्लूसिविटी है और एक इंक्लूसिविटी है। मैंने कहा जानता हूं। कहने लगे कि उर्दू एक्सक्लूसिव है, ये दूसरी जबानों के लफ्ज नहीं लेती और अगर लिए भी तो नासिख जैसे इमाम बख्श नासिख की तरफ इशारा था उनका, लोड गए जिन्होंने कहा कि ये लफ्ज गलत हैं, ये गलत लफ्ज हैं, इनको निकाल दीजिए। उन्होंने मतरूकात की एक फहरिस्त बनाई, उस मतरूकात की फहरिस्त में ऐसे अल्फाज थे जिनका ऐसी कम्बिनेशन थी जिनमें पहला लफ्ज फारसी का था, दूसरा हिंदी का। टुकड़ गदा उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए क्योंकि गदा फारसी लफ्ज है और टुकड़ हिंदी लफ्ज है, इसलिए यह मतरूक होना चाहिए। ऐसी लिस्ट बनाकर उन्होंने उर्दू को ज्यादा से ज्यादा फारसी के करीब यानी प्योर करने की कोशिश की। ये एक्सक्लूसिविटी थी, माफी के जाता हूं, ये अपने आप में कैद रहने वाली बात थी कि आप दूसरी जबानों से अल्फाज इस्तेमाल ही न करें। आसपास लिसानी इकाइयां थी, गुजराती थी, मराठी थी, उड़िया थी, हिंदी थी, साउथ इंडिया की चार जबानें थी बहुत बड़ी, पंजाबी थी जिसमें सूफीज्म का सारा अदब आज तक मौजूद है, उससे हमने
हक तलफी की उनकी कि हमने उर्दू में उनको सिमोया नहीं, ये बातें उन्होंने मुझसे की। ये मसाइल तो जबान के थे, बात गजल की है तो आपकी चूंकि फितरत नज्म की तरफ थी जी, और आप समझ रहे थे कि नज्म के डायमेंशन बड़े हैं जी, और गजल में ये बातें समझना मुश्किल भी है। नई जहद जो है नवीं दसवीं तक हमारी किताबों में, अंग्रेजी की किताबों में शैले, कीट्स, बायरन और वर्ड्सवर्थ शामिल होते थे, उसमें हमें पता चलता था कि ये नज़में क्या हैं, इनके मौजूआत सिर्फ इश्क इश्क और इश्क नहीं है, इनके मौजूआत बरसात भी है, मौसम खजां भी है फलां। और फिर ये याद आया कि किसी ज़माने में गदर के बाद जब मौलाना आज़ाद और हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली दिल्ली से गदर के बाद भागकर लाहौर आ गए थे और अंजुमन मुसन्फ़ीन की बुनियाद रखी थी उन्होंने, तो उन्होंने मुशायरे किए थे जिसमें उन्होंने लोगों को मिसरा तरह नहीं दिया था, कहा था मौसम बरशगाल पर नज़म लिख कर लाइए, खजां पर नज़म लिख कर लाइए, बहार पर नज़म लिख कर लाइए, बरसात पर वगैरह वगैरह, ज़मिस्तां पर। तो उन्होंने मौजूआत दिए कि इन पर नज़में लिखें, तो महसूस हुआ कि एक तहरीक चलाई गई थी, लेकिन उसके बाद उनके मरने के बाद उसको चलाने वाला कोई नहीं था। फिर वही गजल गालिब आ गई, तपेदिक की तरह चिमटी हुई थी हमसे, गालिब आ गई। लेकिन इस ये तो सिर्फ एक हिस्सा है मेरी किताब का, 40 सफों से ज्यादा नहीं है, मेरी किताब 600 सफों की है भाई जान। तो इसलिए मैं यहाँ से सीधा आपके चौथे जन्म पे चला जाता हूँ, तीसरे जन्म पे, क्योंकि वहां ये किस्सा अहम है कि जब बात आई 19वीं सदी के, जहाँ पर आपने रेफरेंसेस दिए कि साहब जो भी चेंजेस तब्दीलियाँ आ रही थी नज़म के हवाले से, जो तजुबात वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहे थे, उसके इम्प्रेशंस हमको नज़र नहीं आते हैं। लाइक मीरा जी के पास तो नज़र आती है, नून में उनके पास नज़र आता है, मगर खुद अकबाल जो है उनके पास सिम्बोलिज्म नज़र नहीं आता। वो बड़ा सख्त जुमला है जो आपने यहाँ इस्तेमाल किया, तो वो क्या है? वो जुमला था कि जैसे कोरे के कोरे गए थे जी हाँ, वैसे कोरे के कोरे आ गए आ गए। देखिए हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में मैं भी गया हूँ, वहाँ मेरे लेक्चर्स भी हुए हैं, मैं उन पत्थरों पर भी बैठा हूँ जिन पत्थरों पर मेरे ख्याल में कभी इकबाल बैठे होंगे जी हाँ। मैंने पाकिस्तान के रुपए से बनाई हुई इकबाल चेयर जिसमें एक इकबाल प्रोफेसर मौजूद है, उनका कमरा भी देखा है, उनसे बातें भी की हैं। इकबाल जब गए तो उस वक्त ये पहली लहर इंग्लैंड में इमेजिस्ट पोइट्स की शुरू हो रही थी। एज़रा पाउंड जो टीएस एलियट से सीनियर था और मेरे नज़दीक वो टीएस एलियट से ज़्यादा अहम है, लुई मैकनीस, इसी तरीके से सारे यूरोप में सब जमानों में इमेजिज्म जिसे हम कहते हैं वो जारी हो चुका था कि जब तक आप विजुअल इमेजरी तस्वीरी मफाहीम की शायरी नहीं पेश करेंगे, कारी को वो फोटोग्राफी नजर नहीं आएगी जिससे वो मानी खुद ब खुद अख्स कर सकता है उसे। लेकिन महसूस होता है कि शायद नई तहजीब के असर से आज़ाद रहना चाहते थे कि उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, ये इकबाल है, या ये भी इकबाल है कि मर्द नाजन हो गए, क्या था मुझे भूल गया, लेकिन बहरहाल लगता है ये एक अकबर अलाबादी है, लेकिन हैं इकबाल ही। इकबाल के यहाँ कहीं कहीं हमें दौड़ पीछे की तरफ अग्रदश याम टू की बात नज़र आती है, वो वाकई कोरे के कोरे वापस आ गए, बड़ा सख्त फिक्रा है, लेकिन ये दुरुस्त है कि वो उर्दू नज़म को बजाय मिंबर से बोलने वाले एक खतीब की तरह न रख कर वो इनकलाब ला सकते थे उसमें जो वो नहीं ला सकते। सही, मैं इकबाल के साथ ही अब फैज़ पर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं मुझे पता है कि अगर मैं एक एक जन्म पर जाऊँगा तो मेरा पुराना जो है वो मतलब कवर नहीं कर पाएगा उन बातों को जो मैं जी हाँ जी हाँ। फैज़ के हवाले से जो बात आपने कही वो भी ज़रा जो गुफ्तगू आपके अख़्तर ईमान के साथ है, या जो बात आपने जो फैज़ और तुर्की के एक अदीब के साथ गुफ्तगू हुई उनकी, और उन्होंने कहा कि साहब नाज़िम हिकमत के साथ जो गुफ्तगू हुई उसमें कहा कि साहब हम तो अपने फारसी उरूज यूज़ करते हैं, तो फारसी उरूज का इस्तेमाल जो है वो, और फिर उसने एक तंजिया लहजे में कहा है कि क्या मतलब हिंदुस्तानी कल्चर इतना रिच होकर भी उनके पास उरूज नहीं है। जी हाँ, ये यहाँ से शुरू करने बात ये दुरुस्त है
कि उन्होंने खुद ही दोस्तों को बताया फैज़ ने, मैंने अपनी ज़बान से उनसे नहीं सुनी बात, मेरे फैज़ से मुलाकातें बहुत हुई लंदन में खासकर, लेकिन मैंने अपनी ज़बान से उनकी ज़बान से ये बात नहीं सुनी, लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड है, लिखी हुई है कि अपनी तरफ से एक गुरूर के तौर पर, घुमंड के तौर पर फैज़ ने नाज़िम हिकमत से कहा, तुर्की के शायर से, कि देखिए साहब हम उर्दू में फारसी रूज इस्तेमाल करते हैं, और तुर्की वालों को आप जानते हैं कि तुर्की वाले ईरान से इतना इतनी मोहब्बत नहीं रखते जितनी कि हम रखते हैं, उस लिहाज से या इस लिहाज से कि उन्हें अपनी सकाफत पर, अपने अदब पर भी गुरूर है। उन्होंने कहा क्या हिंदुस्तान के पास अपना कोई अरूज नहीं है कि आपको फारसी से मुस्तार लेना पड़ा। ये फैज ने लिखा है कि मैं कुछ शर्मिंदा हो गया ये बात सुनकर। अच्छा, अख्तरुल ईमान के बारे में जो बात है वो सीधी सादी है। अख्तरुल ईमान ने ये इतराज़ किया, इस किताब में 16-17 सफ़े जो हैं वो अख्तरुल ईमान से बातों के बारे में है, कि फैज़ बहुत अच्छे शायर थे लेकिन फैज़ के यहाँ पुरानी तराकीब, पुरानी इस्तलाहात, वही गज़ल से मुस्तार की हुई मीठी ज़बान, पॉलिश्ड सैकल शुदा ज़बान जिसमें अक्खड़पन नाम को नहीं है, धीमा लहजा, हम ऐसे शख्स को इनकलाबी शायर कैसे कह सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है नाज़रीन कराम, मैं समझ सकता हूँ कि आपको यकीनन ये ब्रेक बुरा लग रहा होगा लेकिन ज़रूरी है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद नाज़रीन कराम आते हैं और गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़िम, बात हो रही है फैज़ अहमद फैज़ के। सर आप फरमा रहे थे कि वही गुफ्तगू का अंदाज़ था, वही इश्क मोहब्बत के किस्से थे, तो ये कैसा इनकलाब है? बात यह है कि उन्होंने इस्तारे वही इस्तेमाल किए। इस्तारे यूँ इस्तेमाल किए कि अगर इनकलाब को लाने की बात की तो महबूब के हवाले से की, मेरी महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। अच्छा मौजू था कि मैं अब इश्क नहीं करना चाहता, इसलिए तू थोड़ी देर इंतज़ार कर, मैं पहले इनकलाब के मैं अपना हिस्सा डाल लूँ तो फिर तुमसे मोहब्बत करूँगा। आम लफ्ज़ों में यही बात है। जब वो सूली पर चढ़ने का जिक्र करते हैं, जब वो स्लीप पर लटकाए जाने का जिक्र करते हैं, जो कि एक सिंबल है, आफाकी सिंबल है, ईसा के हवाले से भी, मंसूर के हवाले से भी, राजा ने कहाँ कहाँ से, तो भी वो बात कहते हैं तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। यानी वो हवाला छोड़ते नहीं हैं जिस हवाले से, जिस बुनियाद से वो शुरू करते हैं। मुझे अख्तरुल ईमान ये बात कहा और ये इस किताब में दर्ज है कि बन्ने भाई से, सज्जाद ज़हीर से इस बात का एक बार जिक्र हुआ कि फैज़ को कोई समझाए कि अगर उन्हें अवाम तक पहुंचना है तो ये ज़बान अवाम की नहीं है, ये ज़बान तो अशराफिया की है, ये ज़बान तो पढ़े लिखों की ज़बान है, ये तो अपर बुर्जुआजी की ज़बान है। तो उन्होंने कहा कि एक बार जिक्र हुआ था लेकिन फैज़ को छोड़ दो, फैज़ बहुत बड़ा शायर है, वो अपने आप सीधे रस्ते पर आ जाएगा। ये अल्फाज बन्ने भाई के सज्जाद ज़हीर के हैं। तो इस पर एक नज़्म है जो छपी हुई नहीं है, वो अख्तरुल ईमान ने अपने हाथ से लिखकर मुझे दी थी और मैंने लफ्ज़ बलफ़ हर्फ बारफ इसमें वो शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा था कि ऊपर नाम फैज़ का नहीं है ये, लेकिन ये नज़्म फैज़ के नाम मानवन की जानी चाहिए थी मुझे। सही, ये उस वक्त की बात है। सही। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि तरक्की पसंद तहरीक जदीदियत माबूद जदीदियत तो बात करूँ, थोड़े से रेफरेंसेस मुझे बात करनी थी गोपी चंद नारंग के हवाले से भी, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ी सी बात हुई है, लेकिन उससे कबल मैं थोड़ा सा चाहूँगा कृष्ण चंद्र के हवाले से बात कर लूँ, क्योंकि वो मौजू थोड़ा सा मेरा भी है, अफसाने वाला मौजू है। क्या आपकी जब बात हुई राजेंद्र सिंह बेदी से, ये भी आपके तीसरे जन्म का किस्सा है कि जब आपकी गुफ्तगू हुई राजेंद्र सिंह बेदी से और वहाँ आपने कई मौजूदात पर गुफ्तगू, मैं देख रहा था कि अफसाने के हवाले से बात हो रही थी लेकिन फिर कृष्ण चंद्र पर बात आई, तो वो चीज़ मुझे स्ट्राइक कर रही थी वहाँ पर कि जब एक ऑब्जेक्शन जो अमूमी तौर पर होता है कि साहब वो जो कृष्ण चंद्र के हवाले से कि साहब वो एक रुमानी दुनिया के आदमी लगे और वो जो बातें जो कर रहे हैं वो असल में चूँकि वो उस फील्ड के आदमी नहीं है या उस इन्वायरमेंट के आदमी नहीं है, उस एटमॉस्फेयर के आदमी नहीं है, तो कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जेन्युइनली? लाइक अगर वो दहखान, तो उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया और बड़ा ही मतलब जो इमोशंस से भरा हुआ जो आपने जो एक्सप्रेशन दिया है उनका, उससे अंदाजा हो रहा था कि वो उन जैसा। मखदूम मोहिउद्दीन ने कहा था जी
जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था, तेलंगाना उसका हिस्सा है, जब खेत जागे नावल था कृष्णचंद्र का, जी जी, वो तेलंगाना के मजदूरों की उनके जमींदारों के खिलाफ बगावत के बारे में था कि उन्होंने जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा कर लिया था। ये नावल जब छपा तो इस पर मखदूम महीउद्दीन ने यह एतराज किया कि कृष्ण को पहले तेलंगाना में आकर हालात तो देखने चाहिए थे। तेलंगाना हैदराबाद का वो हिस्सा है जिसमें कमजोर किसान ज्यादातर मुसलमान है, यानी हमारे जहन में यही आता है कि निज़ाम के वक्त में जनाब सभी मुसलमान जो है आला ओहदों पर फायज थे, लेकिन वो बेचारे मुसलमान जो तेलंगाना के खेत मजदूर थे, हारी थे, उन पर ये नावल लिखा गया। इतराज़ उसका था कि अगर आता तो कृष्ण को ये पता तो चल जाता कि उसके हीरो का नाम राघो राव है और राघो राव उच्च ब्राह्मणों के खानदान का नाम है, मजदूरों का नाम नहीं होता। सही, सही। इसके अलावा और कुछ थे, लेकिन कृष्ण ने बहुत खूबसूरती से अपने धीमे लहजे में महजब तरीके से मुझे जवाबात दिए, और मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी, कृष्ण से मेरी उम्र 24-25 बरस कम थी। जी जी। तो उन्होंने ये बात कही कि कितने और लोग हैं जो ये बताएं कि मजदूर औरतों के इस्तेहसाल के बारे में जो मैंने कहानियां लिखी हैं उनकी किसी और ने जिक्र किया उनके बारे में। मैं मजदूर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से मजदूर औरतों को सड़क बनाते हुए, रोड़ी कूटते हुए देखा है, फसल काटते हुए देखा है, बच्चे को झूला सा बनाकर अपने दुपट्टे का दरख्त पर लटका कर टांग कर काम करते हुए देखा है, पानी भरते हुए देखा है, और फिर उनकी इस्मत टूटने के बारे में भी हजारों किस्से सुने हैं। तो मजदूर औरतों के इस्तेहसाल के बारे में जितनी कहानियां मैंने लिखी शायद और किसी ने नहीं लिखी। ये कृष्ण ने मुझे कहा, और ये दुरुस्त थी बात, मेरे नोटिस में पहले नहीं आई थी। एक बात और उन्होंने कही कि मुझे कहा जाता है कि मैं सीधी स्पॉट लहजे में कहानियां लिखता हूँ, सीधी स्पॉट तरीके से कहानियां लिखता हूँ जिसमें नसर में शायरी होती है, और नसर की शायरी मेरे सारे नकायस को, मेरे सारे नकायस को भुला देती है, उस पर पर्दा डाल देती है। कहने लगे मेरी एक कहानी है सीता कुंड, सीता कुंड इस बात पर है, और ये एक जगह का नाम है सीता कुंड जिसमें पानी भरा जाता है और वहाँ एक औरत का इस्तेहसाल होता है। तो कहने लगे मेरी वो कहानी इस लिहाज से है कि राम ने भी सीता का त्याग किया था, राम ने भी सीता को इस बात के लिए अपने घर से महल से निकाल दिया था कि उसे ये शक था कि रावण की कैद में रही है तो ये कहाँ पाकबाज रही होगी। सही, सही। ये बातें कृष्ण की मेरे जहन में घर कर गई। लेकिन इस किताब में जो सबसे बड़ी बात है वो कृष्ण की बीवी के बारे में है, जिसे कृष्ण ने छोड़ दिया सलमा सिद्दीकी से शादी करने के बारे में के लिए। और कृष्ण की बीवी को जैसे मैंने देखा, घरेलू औरत, खिदमत करने वाली, कृष्ण जी कह के उनको बुलाने वाली, 20 बार चाय मंगवाएं तो चाय देने वाली, और मुझसे बातें करने वाली कि कल करवा चौथ का व्रत है, मुझे भी मेहंदी लगानी पड़ेगी लेकिन मेरे पास मेहंदी नहीं है, तो इनसे कहूँगी ला देंगे। तो मैंने कहा नहीं भाभी, मैं कल ला के दूँगा आपको। तो आपकी माता जी भी लगाती होंगी मेहंदी? मैंने कहा मेरी माता जी तो बेवा हैं, वो नहीं लगाती। तो सुहाग की अपने खावन की उम्र लंबी करने के लिए ये औरतें व्रत रखती हैं। वो व्रत रखने वाली औरत उसके बच्चों को त्याग दिया कृष्ण ने, सिर्फ इसलिए कि सलमा से इश्क था और सलमा से शादी करना चाहता था। और फिर हुआ यूं कि वो कृष्ण जिसके साथ मेरी खतो किताबत रही, उसके बाद मेरे खत उस तक पहुँचने ही बंद हो गए। दोस्तों को पता चला कि दोस्तों के खत जो हैं वो सलमा सिद्दीकी या सलमा कृष्णचंद्र सेंसर करती हैं, उन तक पहुँचती नहीं है। ये कृष्ण चंद्र के बारे में है, बेदी के बारे में और बातें हैं, लेकिन बहरहाल ये बात तो है कृष्ण चंद्र और उनके हवाले से। एक और बात जो मुझे टच कर रही थी वो जदीदियत के हवाले से थी कि आपके पास सवाल था और मैं भी सवाल पर रुका थोड़ी देर के लिए कि जदीदियत के कैंप से निकल कर जो लोग माबद जदीदियत के अंदर आ गए उनकी तख्लीकात कहाँ है इस वक्त। और वो चीज़ मैं देख रहा था कि वो मुसलसल एक डिबेट, एक डिस्कशन, ऑफ कोर्स वो इतने बड़े मौजू हैं कि उस पर अगर लिखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, सेमिनार हो तो बड़ी अच्छी बात है, मगर यकीनन टीवी के लिहाज से आई डोंट थिंक कि वो पूरा चीज़ें एकोमोडेट हो सके यहाँ पे, मगर एक कंटिन्यूस बहस है और उस हवाले से भी मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा कि आपका क्या ख्याल है। यूँ था कि 1942 से लेकर लगभग 1960 के आसपास तहरीक
बहुत मुनज्जम ताकतवर रही, यहां तक कि किसी आदमी का ये कहना कि मैं तरक्की पसंद हूं खुद को एक बहुत अहम शख्सियत कहने के मुतरादिफ था। लोग ऐसे भी थे तरक्की पसंद तहरीक में जो जीरो थे लेकिन हीरो बन गए। जिस रसाले के जो रसाला तरक्की पसंद तहरीक का इंडिया में जो रसाला उसका माउथपीस समझा जाता था उसका नाम शाहराह था, उसके एडिटर का नाम प्रकाश पंडित था, वो अफसाना निगार थे, वो खुद को उर्दू का चैखव कहा करते थे। अब कहाँ है उनका नाम? कहीं नहीं है ना। तरक्की पसंद तहरीक में भी लोगों ने सिर्फ नजरिए की बुनियाद पर कम्यून से हिदायत मिलने की वजह से उन लोगों को आगे बढ़ाया जो कम्युनिस्ट ख्यालात के ही थे, किसी और को आगे नहीं बढ़ाया। जब ये तहरीक सिमटने लगी और रूस के रेजा रेजा होकर गिर जाने के बाद या बिल्कुल सिमट गई, और जब ये पता चला कि रूस के अंदर भी ऐसे स्लेव कैंप्स मौजूद थे जो स्टालिन ने जारी रखे हुए थे, सिर्फ हिटलर के कैंप्स यहूदियों के बारे में कैंप्स की बात नहीं थी, जब ये पता चला तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगी, तो एक खला पैदा हो गया। इस वैक्यूम को भरने के लिए कोई आना चाहिए था, और फौरी तौर पर जो मौजूद थी वो जदीदियत थी। नौ जदीदियत का एग्जैक्ट तर्जमा अंग्रेजी में मॉडर्निज्म ही होगा, लेकिन मॉडर्निज्म अपने आप में कोई टर्म नहीं है, उसके 20 पहलू हैं। मैं इसे हाशत पहलू कहता हूँ, 8 पहलुओं वाली, और मैंने 8 गिनवाए हैं, किताब में भी गिनवाए हैं कि हशत पहलू क्या क्या हैं, जो वजूदियत है फलां फलां सभी मैंने सभी दिए। और जदीदियत नजरिए की सतह पर एक, और के कार्य एहसास तनकीद हो कि जरूरी नहीं है कि शायर या अदीब वो कहे जो लोग समझ पाएं, वो अपने लिए लिखता है लोगों के लिए नहीं लिखता। और यूरोप, सारे यूरोप में ये 19वीं सदी के आखिर में शुरू हो चुकी थी, 20वीं सदी के पहले आज तक ये लगभग मुख्तलिफ शक्लें बदलती हुई आ चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ जब ये पहुँची तो ये 1960 से आगे चली, और ये वो जदीदियत थी जो 60 बरस पहले तक खारिज हो चुकी थी यूरोप से। जब मैं इंग्लैंड में पढ़ा रहा था 1972-73-74 में ब्रिटिश ओपन यूनिवर्सिटी में, यू में, उस वक्त बहुत यूरोप छोटा सा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप यहाँ अमेरिका में एक स्टेट से दूसरी में चले जाएं, आप एक मुल्क से दूसरे में चले जाते हैं। वहाँ तो मैं लगभग सब यूनिवर्सिटी में घूमा और महसूस हुआ कि हम लोग एक मरे हुए पौधे को पानी दे रहे हैं इंडिया में। एक ब्रेक पे जाना पड़ जाएगा इत्तेफाक से, सॉरी, मैं खता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। नाज़िम कराम, खता कलामी डॉक्टर साहब की मैं कर रहा हूँ, मगर मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जदीदियत के इस पूरे सफर पर ज़रा सी नज़र डालते हैं। यूँ ही साथ साथ रहिए, आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़िम, बुलंद अकबाल हाजिर है। तो सर, आप फरमा रहे थे जदीदियत के सफर के हवाले से। मैं अर्ज कर रहा था कि जदीदियत की जो शक्ल हमारे सामने आई वो बहुत पहले यूरोप में आकर लौट चुकी थी, उसके बाद कई और तहारीक वहाँ, कई तहरीकें आईं और वो जदीदियत के झंडे के नीचे ही चलती रहीं। हमारे यहाँ ये इसलिए भी आई कि हमारे यहाँ दो नक़ाद थे उर्दू में हिंदुस्तान में, और उनकी कश्मकश में कहीं ये महसूस हुआ कि हम लोग जदीदियत में अपना सारा पुरखों से मिला हुआ इसासा ख़त्म कर रहे हैं, हर चीज़ को नेगेट कर रहे हैं। वक्त है तो उसकी यकसमती रफ्तार है माजी से हाल और हाल से मुस्तकबिल की तरफ, हम उसे ख़त्म कर रहे हैं। किरदार है अफसाने में तो किरदार को तहलील कर रहे हैं, उसके नकूश हमें नज़र नहीं आते। हमारे यहाँ पहले ये था कि अगर प्रेमचंद का होरी है तो प्रेमचंद का होरी हम कहीं मिल जाए तो उसे पहचान सकते हैं, रत्नाथ सरशार का खोजी कहीं मिल जाए हम उसे पहचान सकते हैं, हम
टेस्ट ऑफ द डर्बरविल को, हार्डी की टेस्ट को कहीं भी वो पहचान सकते हैं, हम जेन आयर को कहीं भी पहचान सकते हैं, हम यूरोप के मुल्कों के लिखने वालों के किरदारों को ऐसे ही पहचान सकते हैं जैसे जासूसी अदब में हम शर्लक होम्स को पहचानते हैं, डॉक्टर वाटसन को पहचानते हैं। तहलील हो गया किरदार, उसके नकुश नजर नहीं आते, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, और फिर वाकयात, वाकयात जो हैं वो इस कदर गलत हो गए, गलत मलत हो गए कि आपको आगे पीछे का नहीं पता चलता कि ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। अगर यही तोड़ फोड़ इंतशार और फैलाव के नाम पर, तजुर्बे के नाम पर ये अदब था तो इसने जिंदा नहीं रहना था। दो चार कहानियां रह गई हैं, से सुरेंद्र प्रकाश की बजूका अब भी मानी जाती है, लेकिन सुरेंद्र प्रकाश मरने से पहले जो उसने मुझसे कहा, यह था कि मैंने जिंदगी तबाह कर ली जदीदियत की राव में बहकर, मैं बहुत अच्छा इससे ज्यादा लिख सकता था। डॉक्टर साहब एक बात और कर लीजिए इस, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया है, लेकिन ये अहम सवाल था तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से कि हम देखते हैं कि उर्दू में तो खूब पनपी, लेकिन हिंदी में, हिंदी में क्यों नहीं, क्या वजह थी कि हिंदी अदीब क्या ज़्यादा रुजत पसंद थे, क्या वजह थी कि ये हिंदी में नज़र नहीं? रुजत पसंद गलत लफ्ज़ है, यानी तरक्की और तनज़ुल के हिसाब से लफ्ज़ रुजत इस्तेमाल किया गया, सही, लेकिन अगर आप अपनी ट्रेडिशन से, अपनी रवायत से जुड़े हुए हो तो आप रुजत पसंद नहीं है, उस रवायत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सही, हुआ ये कि सिर्फ एक आदमी हिंदी से आया जिसका नाम, जो सेक्रेटरी 3 वर्ष तक सेक्रेटरी रहा अंजुमन तरकीब समझन PWA का, प्रोग्रेसिव, इसे प्रगतिशील लेखक संघ कहते थे हिंदी में, अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और उर्दू में अंजुमन तरकीब संघ मुसनफीन। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी आगे बढ़ाओ, इनके मंशूर में कुछ लोग ज़रूर आगे आए जिन्होंने इसे, आज भी जिंदा हैं, डॉक्टर नामवर सिंह आज भी जिंदा हैं, लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह तरकीब संधि की उस जहद तक नहीं पहुँचे जिस जहद को तशद्दुद का नाम दिया गया था, जिसमें उर्दू में पहली किताब जिसे एडिट किया था बने भाई ने, अंगारे छपी थी, जिसके सारे अफसाने इस बात पर थे कि जब तक आप पुराने निज़ाम को तोड़ फोड़ करके, मुनहदम करके ख़त्म नहीं करते, नया निज़ाम शुरू नहीं हो सकता, सही, पुरानी बुनियादों पर आप नहीं कर सकते, तो पहले सबको तबाह कीजिए। तबाह करना आसान काम नहीं है, नहीं। आप कोई बुलडोज़र नहीं है कि आप एक इमारत गिरा देंगे, वो इमारत जो 3000 साल से आपके पास मौजूद है, और हिंदी में, उर्दू तो नई नई थी ना, उर्दू में आसान था ये, हिंदी में आसान नहीं था। डॉक्टर साहब बात की जब ज्ञान की, 4 जन्मों का किस्सा है, और आप खुद को कहाँ पाते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है मुझे पता है, लेकिन मुझ जैसे तालिबे इल्म के लिए एक रास्ता है, मुझ जैसे बल्कि बहुत से देखने वालों के लिए, अदब के तालिबे इल्मों के लिए, कैसा क्या खोया क्या पाया? जी हाँ, एक उम्र का तजुर्बा, पहली किताब उर्दू में अफसानों की 1952 में छपी जब मैं 21 वर्ष का था, 20वीं सदी से, और आज 2013 है, तो इतने लंबे अरसे में खोई सिर्फ जिंदगी, वो ऐशो इशरत जो मैं कर सकता था नहीं कर पाया, मेहनत की, लेकिन जो मैंने पाया, अगर ये कहूं कि वो उस ज्ञान का शायद लाखों ऐसा भी नहीं है जो ऋषि मुनि, जोगी या सूफी या संत या औलिया बरारास ले लेते हैं अपने जहन से, जो मेटिफ, जो एपिफिने की तरह, आकाशवाणी की तरह या वही की तरह उन पर नाजिल हो जाता है, लेकिन मैंने तजुर्बे से बहुत कुछ पाया है, और ये बातें मैं आपसे जो कर रहा हूँ ये एक पूरी ज़िंदगी का महासिल है, जो बातें मैंने लिखी हैं एक पूरी ज़िंदगी का महासिल है। मेरी ये किताब दोस्तों के कहने के मुताबिक, रिव्यूअर्स के कहने के मुताबिक, बल्कि नारंग साहब ने तो ये कहा है कि दुनिया में अपनी किस्म की वाहिद किताब है, क्योंकि दुनिया में जितनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई हैं वो ज़िंदगी के हालात के बारे में लिखी गई हैं, आसपास के लोगों के बारे में, और खसूसी तौर पर सिर्फ लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में, उस हवाले से नहीं है। तो ये एक हवाला जाती किताब है जिसे शायद पढ़ा जाएगा मुद्दतों तक, कोटेबल कोट्स लिए जाएंगे,
मुझे ये खुशी है कि खुदा जाने मेरी कितनी उम्र है, लेकिन मैं ये लिख पाया, मेरे लिए ये बहुत बड़ा इनाम है। पंजाबी में शेर था कि बचपन से बुढ़ापे तक एक सीधी उड़ारी सी, मेरी बचपन से बुढ़ापे तक सीधी उड़ान थी, इस उम्र दे पंछी नू जौबन दा रुख ना दिसया। इस उम्र के पंछी को जौबन का पेड़ दिखाई नहीं दिया, इसने तो एक ही उड़ान भरी और बचपन से बुढ़ापे तक पहुंच गया। तो 20-30 बरस की उम्र तक इतना कुछ इकट्ठा कर चुका था मैं कि खुद को मैंने गौतम बुद्ध ही समझना शुरू किया, और आज भी समझता हूँ कि शायद उसका एक हल्की सी परछाई पर तो खाका हूँ, और अब इतना कुछ इकट्ठा कर चुका हूँ कि दान दे रहा हूँ, दान लेता हूँ, दान देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आपकी नज़म पढ़ दें मेरे लिए, सेल्फ पोर्ट्रेट, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत टच कर रही थी मुझे। क्या निर्वाण से ज़्यादा ज्ञान अहम हो जाता है ज़िंदगी की एक मंजिल में, ऐसा लगता है? निर्वाण तो किसी किसी को मिलता है ना, निर्वाण शायद 100 में से एक को मिलता होगा, लेकिन ज्ञान रास्ता है उसके लिए, आप जितना रास्ता तय कर ले वही काफ़ी है। ज्ञान खुद निर्वाण बन जाए, ज्ञान खुद भी निर्वाण बन सकता है, क्योंकि जब आप अपने अंदर ज्ञान भर लेते हैं और उसमें डूबने लगते हैं, उस इस्तगराक के आलम में खुदा जाने आप पर क्या क्या उतरता है, क्या मुझ पर उतरता है। मैं कई बार खुद देखता हूँ कि मैं एक सवाल, आप हैरान होंगे कि ये हिंदू है नॉन मुस्लिम है, लेकिन ये हज़रत अली के बारे में ऐसी बात कर रहा है। मैं हज़रत अली से एक सवाल करता हूँ कई बार, 3-4 बार जहन में, बोल कर नहीं, उसके बाद सो जाता हूँ, जब सुबह जागता हूँ तो उसका जवाब मेरे जहन में ताज़ा होता है। क्या बात है? तो जवाब मुझे हज़रत अली से शायद नहीं मिलता, क्योंकि हज़रत अली मेरे लिए वो मीडियम है जिससे मुझे वो जवाब मिल जाता है, मेरा जहन ही देता है मुझे। और सब किथा चार जन्मों की बहुत खूबसूरत किताब है। नाज़रीन कराम, मैं चाहूँगा कि अदब के तमाम तालिबे इल्म, और तो सभी लोग पढ़ें, मगर अदब के तमाम तालिबे इल्म इस किताब को ज़रूर अपने मुताले में लाएं। मैं तो अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन चाहूँगा कि ये नज़म आप पढ़ लीजिए और यहाँ पर मेरा प्रोग्राम ख़त्म कर दीजिए। मैं नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ये सेल्फ पोर्ट्रेट मेरे लिए ज़रूर पढ़ें। ये किताब वैसे आपकी इतला के लिए कराची और दिल्ली दोनों जगह से छपी है। सही, हाँ, ये नज़म है सेल्फ पोर्ट्रेट। ये मैंने आज से 22 बरस पहले, 60 बरस की उम्र तक जब पहुंचा तब लिखी थी अपने बारे में। जी, अपनी तस्वीर कोई कैसे बनाता है, ये वो है, प्लीज़। 50 से 60 तक, वाह, 50 से 60 तक, ज़रा इससे कम ज़्यादा नहीं, गलत है कि उम्र तो दाखिली तसव्वुर है और बरसों में नापना तो हिसाबदानी है। क्या बात है? और वो देखने में अब भी जवान लगता है, सिर्फ 40 का या इससे ज़रा ज़्यादा। कभी कभी जब वो अपने चेहरे को आईने की सभी नज़रों से देखता है तो उसको लगता है उसकी आंखें तो उसकी माँ की हैं। हाँ, वही हैं, बड़ी बड़ी सी स्याह हल्के से रत जगों की थकावटों के दबीज पर्दों की धुंध में नीम बा खमीदा नज़र की खफगी जो ढलती जाती है गर्म अशकों की शफकतों से खिले गुलों में। वाह, माँ याद आती है कि नहीं? क्या बात है? कुशादा रोशन जबी उसे बाप से मिली है, मुदब्बराना ताक़लो होश की इलामत, अमीख दानिश्वरी की बर्राक झील जैसी, स्याह कुछ कुछ सफेद रूखे बुरीदा बालों का एक गुच्छा जो सर झटकने से साफ रोशन जबी को अपने बिखरते बादल के एक झुरमुट से ढांप देता है। तेज नजरें, दबीज शीशों को चीर कर जैसे पार करती हुई निगाहें, वो अपने चेहरे के खालो खद में हजारों चेहरों की बनती मिटती हुई शमीहों को देखता है। खुदा जाने किन किन पुरखों को वो नक्श जो बरसहा बरस से कहीं विरासत की बोरियों में बंधे हुए थे, वो नक्श जो बरसहा बरस से कहीं विरासत की बोरियों में बंधे हुए थे, जो पुश्तहा पुश्त उसका विरसा रहे हैं, उसके वजूद में जज्ब हो गए हैं, वो कुछ नया है तो कुछ पुराना। 50 से 60 तक, जरा और आगे, नहीं गलत है, वो देखने में जवान लगता है, सिर्फ 40 का या इससे जरा ज्यादा। 60 बरस की उम्र में लिखी गई। वाह।